सो जा इस गार्डन इसको हाथ लगाओ जरा ये सोएगी आपके साथ जरा हाथ लगाओ लगाओ जरा टच करके तेरा ना समान जबरदस्ती आता था लगाओ मैं अल्लाम अभी अभी जो लैंग्वेज आपने है क्या आप मान सकते हैं कि वो लेडी ये है वो औरत जो इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत वेल एजुकेटड वेल ड्रेसड है मुझे तो लगा कोई थर्ड क्लास दहाती आंटी हैं लेकिन आई जस्ट काट बिलीव कि मलिक रियाज़ की बेटी पशमी मलिक हैं जो इस तरह कि की घटिया किस्म की गालियाँ दे रही हैं जैसे कि आप सब जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जहाँ पर उन्होंने उस्मा मलिक के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादी की थी लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसमा मलिक कितनी

You know तो खैर बाजी बहुत सारी गंदी गालियाँ और कुटकुटा बहुत ज़्यादा कुटकुटा लगाने के बाद बाजी बता रही हैं क्योंकि उनकी हस्बेंड जो था उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इस वजह से उन्होंने जो है ना इस कदर शदीद किस्म के किसी के घर में घुस के उसकी कुटाई की थी और उसके एक बार अच्छे से मरम्मत की थी तो वो कह रही हैं कि ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही थी अच्छा अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसको हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है सब गलत समझते हैं बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे ये लेडी और पश्मीना मलिक जो है उन्होंने मिल के इस तरीके से अपने एक फ्रोनीत होती है ना कि खुद को कि हम बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं और गरूर में इतना बुरा बिहेवियर किया था इतना गंदा सलूक किया था इतनी गंदी गालियां दी थी कि लोगों का जो सारा जो सिंपति थी जो इनकी तरफ़ आनी चाहिए थी बिकॉज इनके हस्बैंड जो थे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो सारी सिंपति उस्मा मलिक की तरफ चली गई थी तो वो ऐट द एंड जो होता है ना वो इंसान का गरूर जो होता है वो हमेशा हारता है इस वजह से इंसान कोई भी फ़ैसला करने जा रहा है ज़िंदगी में कुछ भी करने जा रहा है उसको जो है बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए इतने तकबूर में ऊपर नहीं जाना चाहिए कि आपके पास कुछ ना बचे अब जैसे कि देख सकते हैं कि इसमिक लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजार रही हैं और उस औरत के पास कुछ भी नहीं है आप बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है